साथ हैं भीमताल क्षेत्र के विधायक माननीय श्री राम सिंह केड़ा जी। आइए उनसे जानते हैं इस क्षेत्र में जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहा था गोला में खनन को लेके, उसमें क्या रिजल्ट निकला, किस तरीके से इसका समाधान किया गया माननीय विधायक जी द्वारा। स्वागत है सर आपका न्यूज़ 31 में। मैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड क्षेत्र की हमारी पहाड़ी राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को हमेशा सही मंच पर उठाने पर काम करते हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज जमरानी में जो खनन हो रहा है कुमाऊं विकास निगम के द्वारा, यहाँ पर महिलाएं सड़कों पर आई थी और यहाँ के कई युवा भी थे, तो मैंने यहाँ पर पहुँच करके उनसे बात की कि क्या समस्या है आदि आदि। तो इसलिए महिलाओं का और हमारे सभी युवाओं का और हमारा तर्क था कि कोरोना जैसी इस महामारी में खनन होने से बाहर के लोगों की आवाजाही बढ़ रही है, कई लोग बाहर के आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इससे गलत संदेश जा रहा है। तो मैंने कुमाऊं विकास निगम के अधिकारियों को, खनन से संबंधित अधिकारियों को और अन्य अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया कि ये स्थिति जरा देखें कि मातृशक्ति की ये शिकायत है और इस शिकायत के उद्देश्य से वो लोग धरने में बैठे हैं। तो लॉकडाउन तक खनन नहीं होगा ये तय हुआ और लॉकडाउन के बाद भी बाहरी मजदूरों से यहाँ पर खनन नहीं किया जाएगा। सिर्फ खनन अगर मशीनों, सरकार ने रूप में पॉलिसी बनाई है कि हम किसी भी नदी का अगर खनन करेंगे तो मशीनों के द्वारा खनन किया जाएगा, जिससे कि बाहर के मजदूर को न लाना पड़े। तो इसलिए तय हुआ कि बाहर के मजदूरों को यहाँ न लाया जाए और बाहर का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर न आए कि लोगों में कोरोना जैसी महामारी की वजह से डर का माहौल होता है, क्योंकि आज पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा प्रदेश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, लोग परेशान हैं, घरों से नहीं निकल रहे हैं। तो इसलिए मातृशक्ति घरों से निकल करके अपना सुझाव लेके आई थी कि कोरोना जैसी महामारी में जब लॉकडाउन चल रहा है तो ये खनन क्यों हो रहा है, तो उसी उद्देश्य सरकार की इस पॉलिसी पे क्या आपकी क्या राय बनती है कि सरकार ने लॉकडाउन, जहाँ इतनी बड़ी महामारी फैल रही है, उस स्थिति में आके खनन को स्वीकृति दी कि इस दौरान खनन कार्य किया जाएगा, सरकार की इस पॉलिसी को आप क्या मानते हैं? देखिए, आज देश के कोई भी राज्य है, हर राज्य अपनी आय को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या पता इसी दिशा में हमारी प्रदेश सरकार भी प्रयास कर रही हो, लेकिन क्षेत्र की जनता की भावनाओं के अनुरूप काम होना चाहिए। और यहाँ की जो सोशल डिस्टेंस का प्रॉब्लम है कि खनन कहीं पर भी खनन हो रहा हो वहाँ पर सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए कोरोना जैसी महामारी में कोई संक्रमण आ गया तो इससे जनता को भी परेशानी है, सरकार को भी परेशानी है और थोड़ा सा राजस्व की वजह से कहीं बड़ा नुकसान हो जाए, तो इसलिए हम और जनता नहीं चाहती है कि कोई बड़ा नुकसान हो। इसमें जो खनन में जो वाहन पंजीकृत हैं, क्या उन वाहनों के चालक परिचालक जो हैं उनके द्वारा संक्रमण की आशंका कहीं ना कहीं बनी हुई नहीं होगी? नहीं, जो डंपर स्वामी स्थानीय हैं और उसमें जो ड्राइवर स्थानीय है उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी भी डंपर में, बाय द वे, किसी क्रेशर में सामान माल गया, उस क्रेशर से कोई नया व्यक्ति गाड़ी में बैठ के आ गया, तो इसलिए नए व्यक्ति के आने से लोगों में दहशत है, इसलिए लोग सड़कों पर। अच्छा, मातृशक्ति का जो कहना था कि बाहर के व्यक्ति यहाँ ना आए और बाहर के जो कोरोना संक्रमित हैं या कर सकते हैं वो क्षेत्र में ना आए, तो उनके लिए रोकने के लिए या अन्य जो चोरी छिपे अभी तक क्षेत्रों में घुस रहे हैं, अन्य क्षेत्रों में भी घुस रहे हैं लोग बाहर से आने वाले, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है? देखिए, आज ये तय हुआ कि जो मेन गेट है वहाँ पर बाहर के लोगों को आने से रोकने का प्रयास किया जाएगा और जिसमें पुलिस और कोरोना के अधिकारी सहयोग करेंगे और कि बाहर का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर क्षेत्र में न घूमा संदिग्ध के रूप में, और उसके बावजूद भी अगर ऐसा नहीं होता तो कल को फिर देखते हैं क्या चीज़ें। अच्छा विधायक जी, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जैसे भीमताल विधानसभा क्षेत्र है आपका, विधानसभा क्षेत्र है काफ़ी बड़ा है, विस्तार है और कहा जाए तो अति दुर्गम में भी ये विधानसभा क्षेत्र आता है, तो उन गांवों में जिन गांवों में अभी तक मुख्य मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं, जो गांव सड़कों का अभाव है या ट्रांसपोर्टेशन का अभाव है, तो उन गांवों में कहीं ना कहीं अगर कोई इस तरीके की महामारी प्रवेश करती है तो उसके लिए क्या इंतजाम कर रखें? देखिए, हम
अपने मेरे भीमताल विधानसभा क्षेत्र में आज स्थिति बहुत जटिल है। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है और अस्पताल बहुत कम है, और इसलिए अगर ऐसी महामारी कहीं पर क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम बाहर के संदिग्ध लोगों का आने में प्रवेश को रोक रहे हैं, और हमारी जनता भी जागरूक है और हम भी जागरूक हैं कि बाहर का कोई भी व्यक्ति ऐसा ना आए जिसको हम जानते नहीं हैं, और कोई भी संक्रमित व्यक्ति अगर क्षेत्र में आ गया, अगर कहीं महामारी का प्रवेश हो गया तो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, जैसे प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है, बाहर से जो यहाँ से पलायन करके बाहर गए हुए हैं युवा, रोजगार की तलाश में जो बाहर गए हुए थे, उन लोगों का प्रदेश सरकार वापस लाने जा रही है, तो उनका कहीं ना कहीं कोई 1% भय नहीं बना है कि कोई ना कोई संक्रमित इसमें अगर आ गया तो? नहीं नहीं, वो जो हमारे लोग आ रहे हैं उनका हम स्वागत कर रहे हैं और स्वागत करेंगे, लेकिन जो भी आ रहे हैं वो मेडिकल करके उनको हम घरों में ले जाने का प्रयास करें, और सबको और जो भी बाहर के आ रहे हैं मैं उनसे आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरे बड़े भाई हो, चाहे कोई हमारे मित्र हो, सभी मेरे मित्र हैं, तो उनसे मेरा आग्रह है कि आप सब लोग जागरूकता का विशेष ख्याल रखें और मेडिकल चेकअप करके ही पहाड़ों को आएँ, और हम मेडिकल चेकअप करके ही पहाड़ों को अपने लोगों को ले जाने का प्रयास करें। अच्छा, आपके क्षेत्र में जो प्रधान हैं या अन्य समितियां हैं उनको कोई इस बारे में विशेष निर्देश दिए गए हैं? माननीय सरकार का बीच में मैं निर्देश देख रहा था कि प्रधानों को जिम्मेदारी दी है कि बाहर के जो व्यक्ति आएंगे वो पंचायत घरों में उनको रुकवाएंगे, और कोई भी व्यक्ति अगर गाँव में प्रवेश करता है तो वो माननीय ग्राम प्रधान से स्वीकृति लेंगे, तो ऐसा कुछ शासन सरकार का मैं देख रहा था, और पूरे जनप्रतिनिधि सब साथ हैं सरकार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद कैडा जी न्यूज़ 31 से बात करने के लिए। तो ये थे भीमताल विधानसभा क्षेत्र के विधायक, नवनिर्वाचित विधायक माननीय श्री राम सिंह कैडा जी, जिन्होंने बताया किस तरीके से उन्होंने इस महामारी से निपटने की स्ट्रेटजी बना रखी है, और ख़ासकर आज जो मसला उठा है यहाँ मातृशक्ति के द्वारा गौला में खनन का, तो उसको किस शालीनता से और किस विचार के साथ इन्होंने निपटाया, और कैसे इसका निष्कर्ष निकाला गया है कि इस गोला में खनन को जब तक लॉकडाउन की परिधि है, लॉकडाउन की परिधि तक यहाँ खनन नहीं किया जाएगा, और उसके बाद भी यहाँ बाहर से आने वाले लोगों का आना प्रतिबंधित रहेगा।